बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बस काफ़ी बेहतर हूँ। हॉस्पिटल से आ गई थी, मतलब एक वीक से मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी तो वापस जाना पड़ा। तो बस कभी सिटी कभी यहाँ, तो इसलिए मैं कुछ दे नहीं पा रही हूँ। वीडियो वगैरह जो वीडियो दे रही हैं, ये बच्चे बना कर लाए थे कनाडा से इधर उधर से, तो मैं वही थोड़ी थोड़ी एड कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें, वॉच कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि मैं तो हूँ नहीं, मेरी घर में जितने आजकल मैं सबको मैंने जवाब दिया, जो जो आए किसी को नहीं छोड़ा है। तो इसी तरह आइंदा भी करती रहूँगी। आगे मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं जो नोटिफिकेशन पर आए हैं सबको जाऊँ और सबको वॉच करूँ। तो इसलिए मैं आज चाहती हूँ सिर्फ बीमारी की हद तक है। बीमार हूँ तो मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक होती हूँ तो मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं किसी के एलवी में भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ होता ही नहीं तो मैं कैसे लोगों के लिंक पर जाऊँ और करूँ। इसलिए मैं चुपचाप बैठी रहूँगी, बस जो मुझसे होता है वही मैं करती हूँ। अभी ये मेरे चैनल पर है कि वो ग्रो होता है कि नहीं होता है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय आपसे दुआओं की दरख्वास्त कर सकती हूँ कि मेरे लिए दुआएं क्या करें। बस दुआओं में मुझे हर पल याद रखें और मैं कुछ नहीं मांग रही आप लोगों से। आप चाहे मेरी वीडियो वॉच करें या ना करें, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो बस इतना ही कहूँगी। आज हमने बेसन का हलवा बनाया था, बच्चे और बेटी और हस्बैंड ने बनाया, तो इनको वो चने का हलवा को दिल चाह रहा है हम सबको। मगर चने का हलवा मेहनत बहुत है, इनको आएगा नहीं बनाना। भुनना ही नहीं आता तो फिर बनाएंगे कैसे? ये भी बड़ी मुश्किल से भुना इन लोगों ने। तो इसको भुनने के बाद मैंने इसकी कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि चने के हलवे में मैं बनाती हूँ, मगर इसमें मैंने नहीं बनवाई। सिर्फ इसमें भूनने के बाद इसको अच्छी तरह एक प्याली बेसन लिया था, उसको भून लिया। जब वो रेड हो गया तो बुना खुशबू आने लगी, तो इसमें मिल्क डाल दिया। तीन प्याली, एक प्याली है बेसन लिया था तो तीन प्याली मैंने मिल्क डाल के और इसको भून लिया। जब मिल्क खुश्क हो गया तो फिर मैं इसमें शक्कर डाल दी एक प्याली, थोड़ी सी कम लगी तो थोड़ी सी और डाल दी, तकरीबन बहुत थोड़ी सी। तो बस इस तरह ये बन गया और भून गया। जब तैयार हो गया, इसमें घी आने लगा ऊपर, तो फिर वैसे देख लीजिए आपके सामने है। और फिर इलायची पाउडर डाल दिया था और इसका कलर देखिए, और कितना अच्छा चने के हलवे की तरह ही लग रहा है। मगर बस फ़र्क होता है थोड़ा सा, चने का हलवा बहुत लजीज होता है, बेसन के हलवे में फ़र्क होता है। मगर ये भी मज़ेदार बना है, बहुत अच्छा बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो ज़रूर वॉच किया करें। और बस आखिर मैं यही कहूँगी, ना चाहते हुए भी कह देती हूँ कि वीडियो वॉच किया करें। आगे आपकी मर्ज़ी है। अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।